आज भी जब कभी बॉलीवुड के संवेदनशील कलाकारों का जिक्र होता है तो उसमें स्मिता पाटिल का नाम जरूर शामिल होता है। हिंदी सिनेमा में स्मिता एक ऐसे सितारे की तरह रही जिन्होंने अपनी सहज और सशक्त अभिनय से कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी अपनी एक खास पहचान बनाई। नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। स्मिता पाटिल बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। उन्होंने फिल्मों के जरिए जिस तरह अपनी छाप छोड़ी उसके लिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ शिवाजी राव गिरधर पाटिल और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याताई पाटिल के यहाँ कुनबी मराठा परिवार में हुआ था। उन्होंने पुणे से रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक में टीवी न्यूज रीडर के रूप में कैमरा फेस किया। उस वक्त वो सरकारी खबर प्रसारक मुंबई दूरदर्शन पर बतौर न्यूज रीडर के रूप में काम करती थी। सोर्सेस की माने तो न्यूज पढ़ने के लिए स्मिता दूरदर्शन में जीन्स पहनकर जाया करती थी, लेकिन जब उन्हें न्यूज पढ़ना होता था तो वो जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी, क्योंकि तब टीवी पर न्यूज रीडर साड़ी पहनकर ही खबरें पढ़ा करती थी। उस दौरान उनकी मुलाकात जाने माने निदेशक श्याम बेनेगल से हुई और श्याम बेनेगल ने स्मिता की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें अपनी फिल्म चरणदास चोर में एक छोटी सी भूमिका निभाने को कहा। वहां से स्मिता का फिल्मी सफर शुरू हो गया। स्मिता पाटिल ने बहुत सारे हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। उन्हें भारतीय सिनेमा जगत की क्वीन कहा जाता है। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में हिंदी फिल्म जगत में राज किया। वो एक अच्छी फोटोग्राफर भी रही थी। स्मिता पाटिल पुणे के फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की भी छात्रा रह चुकी है। 1977 में उन्हें भूमिका फिल्म में उनके जबरदस्त अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी ज्यादातर फिल्मों में उन्हें एक मजबूत महिला के रूप में दिखाया जाता है। इस तरह की उनकी भूमिका उन्हें फिल्म जगत में अलग ही पहचान देती है। एक अभिनेत्री के अलावा वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करती थी और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाया करती थी। बॉलीवुड के अभिनेता राज बब्बर से उनकी शादी हुई। स्मिता पाटिल को कई पुरस्कार मिले जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। 80 के दशक में स्मिता ने समानांतर सिनेमा के साथ व्यावसायिक सिनेमा की ओर रुख किया। इस दौरान उन्हें तब के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति में काम करने का मौका मिला। ये फिल्में बेहद कामयाब रही। एक दशक से भी छोटे फिल्मी सफर में स्मिता पाटिल ने 80 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी चर्चित फिल्मों में निशांत, चक्र, मंथन, भूमिका, गबन, आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अर्थ, बाजार, मंडी, मिर्च मसाला, अर्धसत्य, शक्ति, नमक हलाल, अनोखा रिश्ता आदि शामिल हैं। व्यवस्था के बीच पिस्ती एक औरत के संघर्ष पर आधारित केतन मेहता की फिल्म मिर्च मसाला ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। फिल्म भूमिका और चक्र में श्रेष्ठ अभिनय के लिए वो दो बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। इसके अलावा उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। साल 1985 में भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। स्मिता पाटिल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो शोहरत के साथ साथ विवादों की वजह से भी चर्चाओं में रही। सोर्सेस की माने जब राज बब्बर के साथ उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं, तब वो मीडिया में आलोचना का शिकार होने लगी थीं, क्योंकि राज पहले से ही शादीशुदा थे। स्मिता की जीवनी रखने वाली लेखिका मैथिली राव अपनी किताब में कहती हैं, स्मिता पाटिल की माँ स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थीं। वो कहती थीं कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती हैं। लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने माँ की भी नहीं सुनी। सोर्सेस की माने तो 1986 में राज बब्बर और स्मिता एक हो गए। राज से स्मिता को एक बेटा भी हुआ, प्रतीक बब्बर। प्रतीक के जन्म के कुछ घंटों बाद ही 13 दिसंबर 1986 को स्मिता का निधन हो गया। कहा जाता है कि राज बब्बर के साथ स्मिता का रिश्ता भी तब तक बहुत कुछ अच्छा नहीं रह गया था। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। स्मिता पाटिल की आखिरी इच्छा थी, उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत के मुताबिक स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव का
सुहागन की तरह मेकअप किया गया। सोर्सेस की माने तो स्मिता की मौत के बाद उनकी करीब 10 फिल्में रिलीज हुई। गलियों का बादशाह उनकी आखिरी फिल्म थी। तो ये थी स्मिता और ये थी उनकी कहानियां। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।